ये है जी हमारा टेंट यहाँ पे एक, और ये है जी दूसरा टेंट। वैसे यहाँ पे आके इतना मजा आया, काफी जबरदस्त, काफी अच्छी लोकेशन है, मजेदार। सामने पाकिस्तान है और यहाँ पे हम खा रहे हैं जी खाना, मजेदार। वाव, यहाँ से रोड देखो, रोड कितना जबरदस्त है, क्या बात है। ये जो वादियाँ है ना, काफी खूबसूरत है भाई, माशाल्लाह। नजारे हमने कभी देखे ही नहीं। Exactly. फर्स्ट टाइम है ना आपका ये? फर्स्ट टाइम है कश्मीर में। यार बड़ा हसीन एक्सपीरियंस है। Exactly. वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसी वादियाँ पहले तो कभी नहीं देखी। कश्मीर को जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता। कभी कहा था कि कश्मीर ना टूरिस्ट की नजर से नहीं, कश्मीर देखना है दिल से। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। यहाँ पे जो बोर्ड लगे हुए हैं ना, उन पे लिखा योर फैमिली इज वेटिंग एट योर होम, ये चीज ना दिल को छूती है भाई। यहाँ से भाई साहब रोड देखो। हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पे नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अभी टाइम आ रहा है जी 11:26। आज हमें जाना है जी केरन वैली, जो कि हम जाएंगे नाइट ट्रिप पे। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग बनेंगे, काफ़ी सारे वीडियोस बनाएंगे हम भाई आप लोगों के साथ, मैं पूरा शेयर करूंगा। आज हमने एक काम किया है ना, आज हमारे साथ गाड़ी भी है और बाइक्स मुझे लग रहा है 2-3 है, तो काफ़ी सारे लोग हैं हम आज। चलो होप कि सफ़र ना काफ़ी अच्छा रहे। बाकी कल के व्लॉग में जो कॉमेंट आया था, वो आया था मीर बॉय की तरफ से। ज़बरदस्त कॉमेंट किया है इसने, लंबी सी कमेंट की है। हाई ब्रो, आज मेरा नाम लेना अपने प्यारे से व्लॉग में, और रियल नेम है उमर, और मैं आपका व्लॉग्स मार्च से देख रहा हूँ, मुझे आपके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। अपना इंस्टा चेक करना, हर एक रील्स पे मेरी कमेंट एंड लाइक देखेगी, कल मेरा नाम ज़रूर बोलना। थैंक यू सो मच उमर भाई, दिल से शुक्रिया। काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे कमेंट देखता हूँ ना तो दिल खुश हो जाता है। जी भाई, मैं आपकी कमेंट डेली देखता हूँ, इवन कि आप इंस्टा पे भी काफ़ी सारे कमेंट्स करते हो, तो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे जाके ज़रूर से फॉलो करना, ताकि इंस्टा पे मैं ना ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। वैसे मैं डेली व्लॉगिंग भी करता हूँ, और इंस्टा पे अगर किसी को बात वगैरह करनी हो तो इंस्टा पे ना आसान हो जाता है। चलो देखते हैं क्या रहता है आज के व्लॉग में, बाकी करते हैं इस व्लॉग को आगे स्टार्ट, लेट्स गो। Meanwhile, ऑलराइट गाइस, अभी ना मैंने ऊपर से ये लगा लिया क्योंकि मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, कभी भी चेंजेस हो जाए। अभी हम यार काफी सारे बंदे हैं, और ये है जी मेरा फ्रेंड किशन भाई, कैसा है? हाय, बढ़िया, कैसे हो सब लोग? चले मैं अभी यहाँ से, चलो घूमने चलते हैं, हमें घुमाओ कश्मीर। ऑब्वियसली भाई मैं आपको घुमा दूंगा। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, हम जाएंगे जी इस गाड़ी में। चलो अभी सामान वगैरह जो है वो हमने पैक कर दिया, अभी ना पूरी तैयारी हो रही है। ये डाल दो भाई डिक्की में आप। चलो जी दोस्तों, अभी ना पूरी परमिशन वगैरह जो है वो हम लेके आए हैं। अगर किसी को भी परमिशन चाहिए जी, ये है जी करालपुरा का एरिया जहाँ पे आपको परमिशन वगैरह मिलेगी, तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-20 मिनट परमिशन लेने में। अभी हमारे पास है जी स्कूटी, हमारे साथ है जी गाड़ी, और मेरी अपनी बाइक है जो कि दूसरा भाई चला रहा है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सामान वगैरह उठाना है, वो उठाने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं। हम सब लोग ना रेडी हैं, बस एक दो भाई और आ रहे हैं, और मेरी बाइक है उनके पास, वो आ रहे हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे अपने सफ़र की ओर। होप कि आज का जो ये हमारा सफ़र है काफ़ी अच्छा रहे, बाकी व्लॉग में ना एंड तक रहना, काफ़ी मज़ा आएगा। ये जो हम जा रहे हैं ना आज, काफ़ी अलग ही मज़ा आएगा भाई। हाँ जी, तो दोस्तों अभी सब कुछ सामान वगैरह जो है वो हमने उठा लिया है, सब कुछ हम जो यहाँ पर बनाएंगे ना वो हम खुद बनाएंगे, उससे काफ़ी मज़ा आएगा। खैर अभी हम पहुँचे हैं कुछ ऐसी लोकेशन पर, ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पर जो व्यू पॉइंट मिलेगा ना आपको, इतना ज़बरदस्त व्यू पॉइंट है, लुक एट द व्यू पॉइंट गाइज। यहाँ से आप एरिया देखो, वो नीचे तक भाई यहाँ से घर दिख रहे हैं, इतने ऊपर हम आए हैं, मुझे लग रहा है अभी और काफ़ी ऊपर जाना है हमें। लोग यहाँ से हमें जाना है, काफ़ी टाइम लगेगा। हमारे साथ एक और भाई है, वो कहाँ पे है? वो पीछे है अभी। अभी ना हमारे साथ एक और भाई था, वो शायद पीछे है, उसका थोड़ा बहुत वेट करते हैं। बाकी यहाँ से अभी हमें अराउंड कितना, आधा एक घंटा लगेगा ना। गाड़ी में कुछ इशू वगैरह तो नहीं आना चाहिए, बाकी बाइक वगैरह मेरे को हिसाब से ठीक लग रहा है। चलो अभी वो भाई भी आ गया, अभी निकलते हैं यहाँ से, करते हैं आगे सफ़र को कंटिन्यू, काफ़ी मज़ा आएगा, नाइट स्टे हम करेंगे आज। होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वैसे हमें काफ़ी टाइम लगेगा अभी, मुझे लग रहा है अराउंड 1-1.5 घंटा, और साथ के साथ रोड भी काफ़ी ज़बरदस्त है। ईशान भाई कैसा एक्सपीरियंस है भाई? अभी तक क्या लगा? बहुत मज़ा आ रहा है यार, इतने खूबसूरत खूबसूरत व्यू है यहाँ। हाँ बिल्कुल, वैसे नज़ारे हमने कभी देखे ही नहीं। एग्जैक्ट, वैसे फर्स्ट टाइम है ना आपका ये? फर्स्ट टाइम है कश्मीर में। अभी आगे जाएंगे ना तो काफ़ी खूबसूरती मिलेगी, काफ़ी मज़ा आएगा भाई, काफ़ी मज़ा। और भाभी जी आप क्या लग रहा है यहाँ पे आके? अभी यार बड़ा हसीन एक्सपीरियंस है। एग्जैक्ट, वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसी वादियाँ पहले तो कभी नहीं देखी। कश्मीर को जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता, कभी कहा था कि कश्मीर ना
टूरिस्ट की नज़र से नहीं, कश्मीर देखना है दिल से। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, वो सही बात है। बाकी यहाँ से जो रोड की बात करें ना, तो यहाँ से रोड में ना टाइल्स लगे हुए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ना जो रोड थे ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो साथ के साथ आप क्लाउड देखो भाई कितने नीचे हैं। यहाँ से जो मज़ा आता है ना ड्राइव करने में, अलग ही मज़ा। बस मैं एक ही बात सोच रहा हूँ, जो मेरे साथ राइडर्स जो है ना, बस उनकी हालत ख़राब ना हो जाए बारिश की वजह से ना, वो काफ़ी उनकी हालत ना ख़राब हो सकती है। Meanwhile, चलो जी दोस्तों, अभी मैंने ना कैमरा सेट कर दिया है, अभी मैं यहाँ से करूँगा थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग, क्योंकि यहाँ पे जो ये व्यू है ना काफ़ी कमाल का व्यू है भाई, काफ़ी खूबसूरत। यहाँ से राइड करने में अलग ही मज़ा आएगा। मेरे साथ है दानिश भाई, और जो बाइक चला रहा था ना उसको मैंने बोला कि आप गाड़ी चलाओ, हमें जाना है जी यहाँ से। दानिश भाई कैसा लगा भाई यहाँ पे आके? यहाँ पे तो अलग ही मजा है, यहाँ पे व्यू ही सीरियसली भाई काफी जबरदस्त। चलो अभी आपसे मिलते हैं सीधा बाइक पे, ठीक है? काफी मजा आएगा, आगे आप एंजॉय करो व्यू को, काफी खूबसूरत है भाई। चलो ऑल राइट, अभी मैं यहाँ से निकल गया। चलो जी यहाँ से रोड देखो भाई, यहाँ पे रोड्स पे ना आपको टाइल्स मिलेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से ना जो मैग्नम डला हुआ होता है ना वो खराब हो जाता है। रोड काफी जबरदस्त है, काफी अच्छा काम किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कुपवाड़ा ने, काफी खूबसूरत है, अप्रिशिएटेड। मजा आ रहा है भाई यहाँ से राइड करने में, इससे पहले मैं ड्राइव कर रहा था, काफी मजा आया भाई, काफी मजा। लैंडस्लाइड की वजह से ना रोड खराब हो जाते हैं, साथ के साथ रोड ना साइड बाई साइड बंद भी किया है। मे भी हो सकता है कभी कभार गाड़ी ना यहाँ नीचे जा सकते हैं, तो उसके कारण उन्होंने यहाँ पे काम किया है। ये काफी ठीक है भाई, काफी जबरदस्त, काफी अच्छा काम है, ध्यान दे रहे हैं ना, क्योंकि ये ना टूरिस्ट प्लेस है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। आजकल यहाँ पे काफी सारे लोग विजिट करने आते हैं, काफी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, ये ना अच्छी बात है टूरिज्म को प्रमोट करना। जितना हम ऊपर आए हैं ना उतना हमें नीचे आना है, तो अभी हमें सीधा नीचे जाना है केरन वैली की तरफ। यहाँ से मुझे लग रहा है अभी 10-15 किलोमीटर होगा। मुझे वो सीन याद आ रहा है जब हम यहाँ पे फंसे थे बारिश में भाई साहब, यहाँ से ना जो ये एरिया है ना साइड बाई साइड यहाँ से नहरें बह रही थी भाई, नहरें बह रही थी। खैर होप कि आज का सफर काफी अच्छा रहे, अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है। बाकी साथ के साथ आपको भी काफी मजा आ रहा होगा देखने में। क्या बात है, ये जो वादियां है ना काफी खूबसूरत है भाई, माशाल्लाह। हाँ जी, तो यहाँ पे हमें ना एक और एंट्री करनी थी जहाँ पे फॉर्म वगैरह सबमिट करना था। अभी यहाँ से काफी टाइम लगेगा, बाकी वादियों में चलने में ना अलग ही मजा आता है, सीरियसली। आई होप कि आप लोगों को भी वीडियो देखने में ना काफी मजा आ रहा होगा, कैमरा ऐसा है ना ये पूरा ना कवर कर देता है। साथ के साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी साथ के साथ ना सब्सक्राइब कर देना। बाकी इंशाल्लाह रहमान ऐसी ट्रैवल ब्लॉग्स आएंगे ना, मजा आ जाएगा भाई। इन वादियों में जो राइड करने का मजा है ना काफी जबरदस्त है भाई, काफी जबरदस्त। होप कि आप लोगों को वीडियो देखने में भी ना काफी मजा आ रहा होगा। राइड मैं इसीलिए कर रहा हूं, मैंने सोचा साथ के साथ हम मोटो ब्लॉग भी करेंगे और गाड़ी भी चलाएंगे, आप लोगों को भी साथ के साथ नज़ारे दिखाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है भाई। अगर मैं कुछ नज़ारे देखता हूँ ना तो आप लोगों का देखना भी हक बनता है। आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट आप बनाए रखो। खाने का सामान वगैरह है वो है जी गाड़ी में, हमने साथ में लाया एक बड़ा गैस भी साथ के साथ, जो मेरे साथ कैंपिंग सिटो है वो भी है। बाकी कैसर भाई भी गाड़ी काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहा है, और हमारे साथ एक स्कूटी भी है जो आगे चल रहा है। आप वीडियो में एंड तक ज़रूर रहना, एंड पे आप ना यार जो खूबसूरती है ना, जो केरन हम पहुंचेंगे भाई साहब, जबरदस्त जगह है केरन, क्लोज टू पाकिस्तान है वो। आप वीडियो में ना एंड तक रहना, काफी मजा आएगा। वाव, यहां से रोड देखो, रोड कितना जबरदस्त है, साथ के साथ क्या मजा आया भाई, क्या मजा आ रहा है राइड करने में। बीच बीच में ना यहाँ पे रोड खराब मिलेगा, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से ना रोड खराब हुए हैं, बाकी रोड काफी जबरदस्त है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर सकता है साथ के साथ, लेकिन रोड में ना काम चल रहा है। बारिश में काफी मुश्किल हो सकते हैं, और वैसे अगर काफी अच्छी धूप है ना, मौसम अच्छा है, तो उतना टेंशन नहीं है भाई, आराम से आ सकते हैं। वाह, यहाँ से आप देखो भाई खूबसूरती क्या है, काफी जबरदस्त। यहाँ से अभी केरन वैली है 9 किलोमीटर दूर। हाँ जी, तो अभी हमने लास्ट एंट्री की है, यहाँ से आपको ऐसा रोड मिलेगा विदाउट मैगडम, क्योंकि अभी इसमें काम चल रहा है। मुझे लग रहा है ये रोड हमें मिलेगा अराउंड 7-8 किलोमीटर ऐसा ही। सिर्फ बारिश में मुश्किल होता है, जब अच्छी खासी धूप हो ना तो काफी अच्छा रहता है भाई, ऐसे चलते हैं आराम से, लेकिन बारिश में काफी मुश्किल होते हैं, क्योंकि मिट्टी मिट्टी है ना, तो पानी की वजह से ना काफी कीचड़ उठता है, तो उसके कारण काफ़ी सा ऊपर से बाइक पे आना यार काफ़ी मुश्किल भाई, काफ़ी मुश्किल। यहाँ से पूरा नॉर्मल रोड है भाई, थोड़ा सा भी मैगडम नहीं डला हुआ है, ये आप देख सकते हो, पूरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है कैसा रोड है जी यहाँ से। ओह ओह क्या बात है, मुझे लग रहा है बस ये साल लगेगा पूरा कंप्लीट होगा भाई रोड, साथ के साथ काम कर रहे हैं। क्या बात है जी, ओह ओह
बस आराम से चलो, कोई इशू नहीं आएगा, आराम से चलना है बस। बीच बीच में रोड ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पूरा ऑफ रोड मिलेगा आपको। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पूरा रोड ना ख़राब है, देखो जैसे यहाँ पे है। जितने लोग गए ना, मुझे लग रहा है लोग ना वापस ही आ रहे हैं, नाइट के लिए स्टे नहीं करते हैं उतने ज़्यादा लोग। काफ़ी सारे लोग ना वापस आ रहे हैं, देखो काफ़ी सारी गाड़ियाँ ना वापस आ रहे हैं। सो इट मीन्स कि काफ़ी कम लोग होंगे जो नाइट स्टे करेंगे, तो मज़ा आ जाएगा ना। जितने कम लोग होंगे ना उतने अच्छा हम एक्सप्लोर करेंगे, उतना मज़ा आ जाएगा। रोड बिल्कुल ख़राब है भाई, बिल्कुल ख़राब। ये जो पूरा रोड ख़राब है ना, अराउंड 7 to 8 kilometers है। हाँ जी, पूरा ख़राब रोड। चलो इट्स ओके, वी विल मैनेज इट। हमें आदत ही है भाई ऐसे रोडों में चलना। क्या बात है। हाँ जी, तो अभी हम नज़दीक पहुँचे हैं केरन के, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकेंगे। वहाँ पे एक शॉप है कुछ, वहाँ पे ना देखेंगे, और वॉशरूम वगैरह जिसको भी निकलना हो वो यहाँ पे निकलेगा। उसके बाद चलेंगे हम जी केरन, बस 1-2 kilometers बचा है यहाँ से केरन। यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे पियेंगे चाय। कैसा सफ़र रहा भाई यहाँ तक? बहुत अच्छा सफ़र रहा, मज़ा आ रहा है। चलो खैर, हाँ वही ना, यही ना, काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे, तो वैसे उन जगहों पे घूमते इतना एडवेंचरस नहीं मिलता है, है ना। यही है मज़ा, घर जाके जब आप देखोगे ना तो अलग ही मज़ा आएगा। हाँ बस यहाँ पे चाय पियेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे ना। बस 1-2 kilometers होगा यहाँ से केरन वैली तक। चलो अभी ले लेते हैं पहले चाय। ऑल राइट, अभी यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी है और साथ के साथ यहाँ पे रेस्ट किया ना। इससे पहले आया था ना तो ये दुकानें वगैरह नहीं थी, लेकिन आज दुकानें वगैरह ना, और प्राइस की बात करेंगे ना तो सेम प्राइस है एज़ आपको जो मार्केट में प्राइस मिलता है ना, यहाँ पे सेम प्राइस है वही, तो काफ़ी अच्छा लगा। चलो अभी बस हम कुछ ही दूर बाकी है, 1.5 kilometers दूर हम पहुँचने वाले हैं जी केरन वैली। होप करता हूँ आपको यहाँ तक का जो ये सफ़र है काफ़ी अच्छा लगा होगा, हमें रास्ते में जो खूबसूरती मिली ना काफ़ी ज़बरदस्त, होप आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर नाइट पर आ रहा हूँ, होप कि काफ़ी अच्छा रहे। और यहाँ पे लोग रह रहे हैं भाई, हमने घर देखे ना लोगों के कहाँ कहाँ हैं भाई, ये देखो इस साइड। बस अभी हम पहुँचने वाले हैं नियर टू पाकिस्तान, आपको भी दिखाते हैं। चलो आपसे मिलते हैं जी सीधा आगे। हाँ जी, तो अभी हम पहुँचे हैं पार्किंग लॉट में। आज देखो भाई यहाँ पे पार्किंग वगैरह भी है पूरा एरिया में। ये जो आपको आगे दिख रहे हैं ना, दैट इज़ पाकिस्तान, वो है जी पाकिस्तान के घर उस साइड। अभी हमें काफ़ी आगे जाना है, जस्ट आप वीडियो में बने रहें, अभी आपको आगे के व्यूज़ दिखाएँगे। बाकी काफ़ी खूबसूरत है यहाँ ये एरिया, काफ़ी ज़बरदस्त। ये है जी इंडिया और दैट इज़ पाकिस्तान। ऑल राइट गाइज, अभी हम पहुँचे हैं जी केरन में। बस थोड़ा बहुत हमें आगे जाना है जो कि है कोबरा व्यू पॉइंट। अभी ना काफ़ी लेट हुआ, टाइम क्या आ गया भाई, टाइम बताना। टाइम आ गया 8 हो गए। ओ भाई साहब, काफ़ी लेट हुआ है, लेकिन चलो फाइनली अभी हम पहुँचे हैं। ये जो आपको एरिया आगे सामने से लाइट दिख रही है ना, वो है जी पूरा पाकिस्तान एरिया। ये जी सामने से है नीलम वैली। हम थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं, अभी अराउंड 8 बज गए। ये है जी सामने से नीलम वैली। कल जो इसके नज़ारे होंगे ना काफ़ी ज़बरदस्त। बस हमें ना उस साइड आगे जाना है भाई, काफ़ी दूर जाना है हमें, काफ़ी दूर। अभी हम चल रहे हैं जी कोबरा व्यू पॉइंट की तरफ। शाहिद भाई, क्या लग रहा है भाई, मज़ा आ रहा है? अलग ही लेवल का। बस थोड़ा सा हमें ना आगे जाना है जहाँ पे टेंट वगैरह है, जहाँ पे हम स्टे करेंगे। बस थोड़ी ही दूर है, उतना ज़्यादा नहीं है। वैसे आज का जो ये सफ़र है ना, बारिश नहीं थी भाई, मज़ा आ गया ना, सीरियसली मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार हम यहाँ पे नाइट पे आ रहे हैं, होप कि काफ़ी अच्छा रहे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए। चलो जी गाइज, अभी हम बनाएंगे चाय। चाय बनाएगा जी कैसर भाई। चलो भाई, हमने गैस वगैरह ना साथ में ले लिया है। ये जो दो बंदे हैं ना, ये बैठे हैं जी टेंट में, ये है जी शाहिद भाई और ये है जी दानिश भाई। दानिश भाई, इतने थक गए क्या? हाँ, सो गया मैं, सो गया। आपका काम पता है क्या है? अभी हम चाय बनाते हैं, इसके बाद आपको खुद काम करना पड़ेगा, ठीक है? ये देखो जी, ये एक टेंट है जिसमें ये अभी आराम कर रहे हैं, और वो है जी दूसरा टेंट जिसके सामने हम अभी चाय बना रहे हैं। चलो गाइज, आप आराम कर लो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलो ऑलराइट गाइज, अभी ना चाय तैयार हो गई है, अभी पीते हैं पहले चाय। चाय पीने के बाद हमारे पास अभी काफ़ी सारा काम है, हमें खाना वगैरह भी बनाना है। चलो चाय का टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। हाँ मज़ेदार भाई, ज़बरदस्त चाय बनी है। बाहर जो नज़ारा है ना भाई साहब, अभी मैं बैठा हूँ टेंट में, चाय पीने के बाद निकलते हैं बाहर। बाहर के नज़ारे भाई काफ़ी खूबसूरत हैं, जब हम सुबह उठेंगे ना उस टाइम अलग ही मज़ा होगा। One hour later. अभी यहाँ पे चिकन तैयार हो रहा है जो कि हमारे शेफ कैसर अहमद बना रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त। साथ के साथ यहाँ पे ना चावल तैयार हो रहे हैं, देखो ब्यूटेन गैस पे चावल तैयार हो रहे हैं। चावल भी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक यहाँ पे ना चिकन तैयार होगा। और साथ के साथ यहाँ पे देखो शाहिद भाई आलू तैयार कर रहा है,
और अलताफ भाई टमाटर वमाटर पीस है, टमाटर कट करके रखे हैं। चलो जी, साथ के साथ डस्टबिन का यूज़ किया करो क्योंकि डस्टबिन ज़रूरी होता है। चलो बस अभी थोड़ा सा टाइम लगना है। हाँ जी, तो दोस्तों अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस अभी तैयारी हो रही है, अराउंड मुझे लग रहा है 1 घंटा लगेगा पूरा तैयार होने में, उसके बाद हम करेंगे टेस्ट। और यहाँ का माहौल ना इतना ज़बरदस्त हो रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त माहौल हो रहा है, काफ़ी मज़ा आया। वाह, क्या मज़ेदार चिकन बना है, इसका टेस्ट यार क्या महक आ रही है। चलो अभी खाना खाने की बारी है, अभी खाते हैं खाना। चलो जी अभी खाना डालते हैं, हमने खाना भी यहीं पे पकाया था, सलाद वगैरह सब कुछ बनाई है हमने, क्या मज़ेदार। साथ के साथ देखो भाई सामने पाकिस्तान है, क्या बात है जी। ये है जी हमारा टेंट यहाँ पे एक, और ये है जी दूसरा टेंट, बस यहाँ पे अभी हम खाना खाएंगे। वैसे यहाँ पे आके इतना मज़ा आया, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मज़ेदार। अभी जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा ना इसका, इतना ज़बरदस्त आएगा वो इंशाल्लाह रहमान में सुबह 6 या 6:30 7 बजे अराउंड में स्टार्ट करूँगा, काफ़ी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह रहमान। होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। शाहिद भाई, हाँ बोलो भाई, कैसा लगा भाई यहाँ पे आके? भाई इतना मज़ा आ गया, मज़ेदार है ना, खूब मज़ा किया यार। सीरियसली यार, मतलब काफ़ी अच्छा लगा यार, अच्छा लगा। बट हमने ना 1-2 3 दिन के लिए पहले आए थे ना, मज़ा नहीं आया था, ज़बरदस्त। चलो जी बस अभी तैयारी करते हैं खाना खाने की। सामने पाकिस्तान है और यहाँ पे हम खा रहे हैं जी खाना, मज़ेदार, क्या बात है जी। ऑल राइट, अभी ना सब कुछ तैयार हो गया, अभी है जी खाना खाने की बारी। चलो अभी खाते हैं जी गाई। ये है जी हमारे साथ आज लोग, टोटल हम हैं 7 लोग जो बस अभी खाना खाने की बारी है। ये जो खाना सब कुछ बनाया ना, ये हमारे शेफ ने बनाया जो है कि कैसर भाई। कैसर भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। चलो बस अभी टेस्ट करो और टेस्ट में बताओ कैसा है, टेस्ट करने की बारी है। ईशान भाई टेस्ट करके बता देना कैसा है भाई। पहले ये टेस्ट करेंगे, देन आफ्टर मैं टेस्ट करूँगा। अच्छा। कैसा लगा? अच्छा। सीरियसली ज़बरदस्त ईशान भाई, ज़बरदस्त चिकन भाई। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा। कहते कैसा लगा? बहुत अच्छा। और आप बताओ भाई, आप ही ने तो बनाया है, बढ़िया है। क्या व्यू आ रहा है भाई, वो है जी पाकिस्तान और हम यहाँ बैठ के ना खाना खा रहे हैं, ये अलग ही वाइब है भाई, ये मज़ेदार वाइब है। Meanwhile, हाँ जी गाइस अभी ना खाना सब कुछ हो गया, काफ़ी टेस्टी बना था, काफ़ी मज़ा आया, ज़बरदस्त तरीके का, और साथ के साथ लोकेशन क्या खूबसूरत लोकेशन है। शाहिद भाई, हाँ बोलो भाई, कैसा मज़ा आया? बहुत ही मज़ा आया, मज़ेदार बना था ना, बहुत अच्छा। भाई साहब ये देखो यहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ है ना, और ये है जी सामने से पाकिस्तान, ये देखो वहाँ से पाकिस्तान है और यहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे हम सोएंगे अभी, बस यहाँ पे हम करेंगे आराम, आराम आप करेंगे, पाकिस्तान के सामने सोएंगे भाई, मज़ेदार नींद करेंगे इंशाल्लाह रहमान। कल हम उठेंगे सवेरे, तो कल का व्लॉग जो आएगा ना वो ज़बरदस्त आएगा, डे व्लॉग आएगा। हम एक्चुअली थोड़ा ना लेट पहुँचे यहाँ पे है ना, बस अब सुबह जो मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा उसमें काफ़ी मज़ा आएगा। होप आज का व्लॉग ना आपको काफ़ी पसंद आया होगा। खैर अभी मुझे लग रहा है इस वीडियो को करते यहीं पे एंड, आई होप कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पेज पर पहली बार देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।